नॉक नॉक शो। आजकल हर होस्ट नाश्ते में क्यों एंटर होता है भाई? हमारा शो हमारी मर्जी। हेलो नॉक नॉक फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम 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 टू द नॉक नॉक शो। आजकल बड़े मसाइल हैं, लेकिन बहुत सारे मसाइल के साथ कुछ बातें अच्छी भी हैं। लेकिन मेरे जहन में आज एक बात यह है कि बच्चों को डांटना तो दूर की बात, उनको घूर के देखना भी बड़ा मसला हो चुका है अब। और टीचर्स कहते हैं कि ओ माय गॉड, क्या कर रहे हैं आप, बच्चे को साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल। और एक हमारे अम्मा अब्बा थे, जब तक हमें 2 से 3 दफ़ा दिन में कूट नहीं लेते थे, उनको कन्फर्म ही नहीं होता था कि अपना बच्चा है या किसी और का बच्चा है। और हमारे टीचर्स तो अपनी खुश नसीबी समझ के ही पीटते रहते थे। वैसे बात बिल्कुल ठीक थी, जिसने हमारे दौर में कम से कम उस्ताद की मार नहीं खाई वो आगे तो बढ़ ही नहीं पाया। खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, जैसी मिसाल को नस्ल दर नस्ल गलत साबित करने वाले 92 के शिकरे और उनके साथ 2023 के बेफिक्रे, क्यूटेस्ट फादर एंड सन डुओ, नॉक नॉक मोइन खान एंड आज़म खान। Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome to the Knock Knock Show. तो ये 92 का समा हम दोबारा कब देखेंगे? 92 का समा अब ये इन लोगों ने दिखाना है, इनसे पूछे हमने तो दिखा दिया जो दिखाना था। कितना प्रेशर है भाई आप पे? प्रेशर था इनिशियल स्टेजेस पे, अब तो खैर इतना नहीं है क्योंकि अब इतनी क्रिकेट खेल ली माशाल्लाह पिछले 3-4 सालों में, तो प्रेशर फील नहीं होता। स्पेशली जब से टीम बदली है तो प्रेशर थोड़ा और कम हो गया है। मुइन भाई, कोई ख्वाब रिलेटेड चीज़ जो आप ग्राउंड में खड़े होकर अपने सारी टीम के साथ देखते थे, जो वो समा इवेंचुअली एक नहीं कई अचीवमेंट्स हैं, तो वो चीज़ कोई ट्रांसफ़र हुई जो बताई कि भाई इस तरह सोच का जो डायरेक्शन है ऐसे रखोगे तो वो सच्चाई में तब्दील होती है? वो नेचुरली आपके अपने ड्रीम्स होते हैं, अपने आप को विजुलाइज करते हो, जो आपका पैशन होता है उसमें आप अपने आप को नेचुरली देख रहे होते हो उस जगह पे। तो यही चीज़ आज़म को नेचुरली बताई है कि अपने आप को विजुलाइज तो करो वेयर यू वांट टू गो और हु यू वांट टू बी, यू नो क्या बनना चाहते हो, तो उसको विजुलाइज करो, उसके लिए मेहनत होती है। फिर जब फर्स्ट जो चीज़ है वो दिमाग में सोच आती है, अगर सोच आती है तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी भी उसी तरह रिएक्ट करती है, यू नो दैट व्हाट ही एक्चुअली डज। माशाल्लाह आजकल बड़ी मेहनत कर रहा है, जोर लगा रहा है और बहुत बहुत गर्म हुआ हुआ है आजकल जब से टीम से बाहर हुआ है। तो इतने सारे जो हमने फादर सन डुओ देखे क्रिकेट वर्ल्ड में, ऐसा क्या है इस डुओ में जो बाकियों में नहीं था? व्हाट डू यू फील? मेरे ख्याल है दोनों ही फिट हैं। आए फिटनेस, अच्छी बात, अच्छी बात। आई थिंक आज़म टैलेंट वाइज आई रियली बिलीव के माशाल्लाह इस एज में जो इसका टैलेंट है, आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, ऐसी हिट अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट ओनली कि मेरा बेटा है इसलिए मैं कह रहा हूँ, बट माशाल्लाह द वे ही हिट्स द बॉल, सारे बॉलर घबराते हैं इसको जो भी बॉल कर रहा होता है, बहुत मज़ा आता है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा कभी कभी याद आता है अपना, कमेंटेटर्स कहते थे मोइन आ गया तो ये मारेगा हिट, वो एक वो सिमिलैरिटी भी है जो एक अनयूजुअल टाइम पे एकदम हिट मार देते और बॉलर को पता ही नहीं लगने देते, यू नो। सो आई फील गुड, उसको जब देखता हूँ खेलते हुए बड़ा मज़ा आता है। आपकी अपनी टीम के खिलाफ जब? नहीं, उस वो नहीं, उसमें मज़ा नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। कहीं ना अंदर तो एक नहीं नहीं अंदर क्या, वो तो मुँह छुपाना पड़ता है। नीचे से अंदर से हंस रहा होता हूँ मैं, ऊपर से दिखा रहा हूँ तो गम है बहुत टीम का, यू नो। ऑन सीरियस नोट, एक कोच के लिए ऑफकोर्स मेरे लिए मेरी टीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, रादर देन कि मैं अपने बेटे को वो करूँ। नेचुरली बीइंग अ पेरेंट दुआ तो होती है अच्छा परफॉर्म करे, जिसकी माँ बड़ी पॉलिटिकल है वो कहती है हाँ बेटा परफॉर्म करे टीम बाप की जीते। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो ये पैशन स्ट्रेंथ किस तरह से ट्रांसफ़र हुआ, कैसे आपने इसको इंस्पिरेशन बनाया
कोई ना कोई डार्क मोमेंट्स भी होंगे जिसको स्ट्रेंथ बनाते हैं, तो ऐसा क्या हुआ? मोहित भाई देखें, डार्क मोमेंट्स काफ़ी होते हैं, स्पेशली बीइंग अ सन ऑफ अ फॉर्मर क्रिकेटर इन पाकिस्तान, इट्स अ ह्यूज स्टिग्मा के नहीं खेल सकता, कि किसी सिफारिश से आया हुआ है, बट ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है. आई केम थ्रू अ होल प्रोसेस जिसमें मैं अंडर 16 क्रिकेट खेला हूँ, अंडर 19 खेला हूँ, पाकिस्तान अंडर 19 में सेलेक्ट हुआ हूँ. तो लोगों को ये पता नहीं था, क्योंकि उस साल के जितने भी पाकिस्तान अंडर 19 बैच के लड़के थे, दे ऑल वर इन द PSL एंड आई वाज वन ऑफ देम. तो उनमें से तीन चार लड़के ही जो पाकिस्तान की तरफ से खेले, जिसमें से मैं एक था. सो आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट. और डार्क मोमेंट ज़रूर आए ज़िंदगी में, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए सिर्फ यही सोचता था कि मैंने सिर्फ अपने बैट से जवाब देना है. सो आई थिंक विच आई डिड एंड आई एम हियर राइट नाउ. तेज तरीन बॉलर्स को आपने छक्के मारे, ग्राउंड से बाहर पहुंचाया, तो अंदर कैसी फील होती है? और आपको वो भी तो फील होता होगा कि उनसे जो आपका ताल्लुक है उसमें बाद में कोई जैसे टेक तो करते होंगे आपस में. मुझे याद है कि हमारा एग्जीबिशन गेम था क्वेटा में, तो वहाँ स्नैन ने मुझे आउट किया था. ओके. तो वहाँ बाबा ने बोला कि भाई इस साल हम फुल प्लानिंग के साथ आएंगे. ओके. तो मैंने कहा कि ये तो चले एग्जीबिशन मैच था, आपसे असली मैच में मुलाकात होगी. सही है. तो असली मैच में स्कोर 97 और हस्तैन को मैंने 4 या 5 छक्के मारे उसमें. तो काफी एक मजेदार नोक नोक लगी रहती है हस्तैन के. ये बात इसकी मुझे याद आई थी जब इसने नॉक खेली, तो आई रिमेम्बर दैट वर्ड्स. जो क्वेटा में हम एक एग्जीबिशन मैच खेले थे, बड़ा फेमस मैच था, आपको याद होगा कि वहाब रियाज को इफ्तिखार ने 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे थे. तो उस मैच में ही आउट हो गया था जल्दी हस्नैन से, यू नो. देन ही टोल्ड मी के अभी मेन मैच आने थे, फिर बात करेंगे, फिर देख लेंगे. तो मोइन भाई, इतने किट बैग, इतनी ग्लव्स, इतनी चीज़ें जमा हो गई कि आपने बेटे को क्रिकेटर ही बना दिया. छोड़ो डॉक्टर इंजीनियर, क्या बनने की ज़रूरत है? इसको शौक था हमेशा. ये जब शौक था, बिल्कुल, ये 2.5 साल का था तो इसको तमाम दुनिया के प्लेयर्स के टीमों के नाम पता थे. अच्छा. कि कौन सा प्लेयर किस टीम में खेलता है. लेटा हुआ सिर्फ मैच देख रहा होता था. स्टार्ट सारी बता दी. 2.5 साल का बच्चा, यू नो. और फिर रीस्टार्ट क्रिकेट प्लेइंग एट होम. मेरा चौकीदार था, उसके साथ खेलता रहता, उसको कहता था बॉलिंग कराओ. तो मुझे ऐसा लगता था, मैं छेड़ता भी था इसको. मैंने कहा यार तू बैट्समैन बने ना बने, मैंने कहा चौकीदार बॉलर ज़रूर बन जाएगा जितनी देर ये बॉलिंग करता है तुम्हें. एक्सीलेंट. ये गिटार में मोहब्बत है, बैट में अग्रेशन है भाई, गुस्सा है कि मोहब्बत, क्या चल रहा है भाई? दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए ना इंसान को ज़िंदगी में, कि भाई ठंड भी हो फिर ग्राउंड में अग्रेशन भी दिखाया जाए. बहुत आला. तो म्यूज़िक बस ज़्यादातर इसलिए करता हूँ कि फ़ोन से थोड़ा दूर रहूँ. सही. तो कोशिश करता हूँ कि नई नई चीज़ें अप्लाई करता रहूँ ज़िंदगी. लेकिन फ़ोन के ज़रिए जिससे आप दूर होना चाह रहे हैं उसी की याद में फिर गिटार बजा रहे हैं, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं अभी. लेकिन इंशाल्लाह, मैं चाह नहीं रहा कि वो दिन आए लेकिन अभी मैं काफ़ी खुश हूँ. और आपने ये बताएं कि आपको कभी फील हुआ ऐसा कि आपको जो ताने कभी मिले को ऐसे नेपोटिज्म हवाले से? नेपोटिज्म के हवाले से तो बहुत ताने मिले हैं, अभी तक मिल रहे हैं. अच्छा. लेकिन अब बात वही है कि आप एक कान से उन्हें दूसरे कान से निकाल दें. कोशिश यही होती है कि ज़्यादातर बैट जवाब से ही दूँ, वर्बल किसी के वर्बली अग्रेसिव ना हूँ किसी के साथ. सो आई थिंक उसमें बाबा की बहुत ज़्यादा ब्रिंगिंग में, उस चीज़ में बड़ा हाथ है उनका. तो आई थिंक काफ़ी खुश हूँ कि जिस तरह इन्होंने बड़ा किया है उस हिसाब से चल रहा हूँ, एंड लाइक थिंग्स आर राइट इन प्लेस अभी तक. भाई आपका क्या ओपिनियन इस बारे में? आई थिंक एज लॉन्ग एज ही इज कॉन्फिडेंट, फीलिंग गुड एंड विनिंग मैचेस फॉर हिज टीम, परफॉर्मिंग वेल, मुझे कोई इशू नहीं है. चाहे वो आज़म हो या कोई भी प्लेयर हो, इट्स व्हाट मैटर्स इज टू विन द मैच. और उस प्लेयर की परफॉर्मेंस होनी चाहिए. अगर वो परफॉर्मेंस कर रहा है तो इट्स गुड इनफ for me as a coach, as a father, or as a cricket critic. तो अब आप मुझे बताएं कि इस जिस शख्स का इतना क्यूट अब्बू हो, इनसे आपको कभी डर वर तो नहीं लगा होगा? नहीं, अब्बू से तो नहीं लगा, लेकिन अम्मी से बड़ा डर लगा. तीन फायदे बता दें इनके, इनके क्यूट होने के 3 फायदे. इनके क्यूट, अगर इनको बोलें कि ये क्यूट है तो इनके 3 फायदे हैं. बचपन में थे फायदे के, पैसे निकाल लिए, बता दिए अबू पैसे ले लिए, वो अच्छे लग रहे आज आप. लेकिन नहीं, हमेशा से बाबा ने हेल्प ही की है. तो आई थिंक जो मैं हूँ, आई थिंक उसमें बाबा का बहुत बड़ा हाथ है. और इस क्यूटनेस का नुकसान क्या हुआ? बाबा को ये पसंद नहीं कि ज़िद ना करे बंदा कोई. ओके. क्योंकि ज़िद, जाहिर सी बात है, इट्स नॉट, एक डिसिप्लिन भी है ज़िंदगी में. जो मैं तो कोशिश करता हूँ कि डिसिप्लिन पे चलो. डिफाइन करें, ये डिफाइन करें ज़रा, ज़िद क्या हो सकती है? एक बचपन में एक बच्चा ज़िद क्या क्या करता है जिससे आपको चिढ़ होती है? मैं इसका एक बड़ा मज़ेदार वाक़या बताऊँ. ये 2003 में जब मैंने क्रिकेट छोड़ी, तो मैंने खड्डा मार्केट में अपनी एकेडमी बनाई थी. तो वहाँ पे दिनेशन
न्यूज़पेपर का अखबार होता था, वहाँ मेरा एक कज़न काम करता था, तो इत्तेफाक की बात है एकेडमी हो रही थी, आज़म भी खेल रहा था, तो मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, तो मुझे फ़ोन आया कज़न का, तो उसने मुझे बोला कि यार जल्दी जल्दी तुम अकेडमी पहुँचो, आज़म की लड़ाई हो गई। मैंने कहा क्या हो गया? कहता यार वो अंपायर को बल्ले बल्ले मार छोटा सा था। मैं जब पहुँचा मैंने पूछा, मैंने क्या हुआ? कह रहा है ने बाबा मुझे गलत आउट दे दिया और के पीछे बैट लेके भाग रहा था ये। ओए होए होए। तो वहाँ से पता लगता है एक्चुअली जो क्रिकेटर होता है ना, वो एक जो कॉम्पीट कर रहा होता है या शौक होता है या टैलेंट पैशन होता है, वो कभी मानता नहीं अपनी गलती का, मेरी गलती नहीं, नहीं मैं तो सही था और दूसरा ही गलत है। मैंने बहुत सारे ऐसे बैट्समैनों को जानता हूँ जो कभी अपने आप को मानते नहीं, यार मैं आउट नहीं था, बॉल अच्छी हो गई, कैच अच्छा पकड़ लिया, बॉल अच्छी जगह गिर गई, यही बात है, ये नहीं बोलेंगे यार मुझसे ये गलती हो गई। मेरा ख्याल है मोहिन भाई वही पैशन हेल्प भी करता है। ऑफ कोर्स है, वो एक जिद होती है, वही जिद होती है, वो जिद हेल्प करता है बिल्कुल। कभी तो किसी मौके पे जो मैं देख रहा हूँ, जो माशाल्लाह 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 जो सुन रहा हूँ, उससे तो नहीं लगता कि कभी गुस्सा किया हो, कभी सीरियसली कोई बता दिया कि ये लिमिट्स हैं, कभी डांटा किसी बात पे, या कभी कोई चप्पल जूता? आई थिंक नहीं नहीं चप्पल जूता कभी भी नहीं मारा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी अम्मी ने तो हमें सही मतलब बड़ा किया मार मार के, तो हम थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन आई थिंक पेरेंटहुड में जाहिर सी बात है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बच्चों को बतानी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक वी वर लकी इनफ कि हमारे माँ बाप ने हमें इतने अच्छे तरीके से बड़ा किया है। सो आई थिंक अभी तक मार बाबा से कभी पड़ी नहीं, लेकिन हाँ ट्रेनिंग के मामले में ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट के मतलब हम मैंने तो कभी उनको देखा नहीं, लाइक I see him ke he's going and playing squash every day for like 2 hours. Nice. So इनको मुझे challenge करने का भी बड़ा शौक है, लेकिन फिर अब मैं इनकी बातों में आता नहीं, मैं बोलता हूँ ठीक है आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो बर्दाश्त है, मुझे जीत नहीं सकता ना स्कॉश, इस वजह से भाग जाता है। आप दोनों में से अगर हम देखें तो खाने पीने के मामले में नखरीला कौन है, नखरा किसका घर में? नखरीला कोई भी नहीं, आज़म भी नहीं, मैं भी नहीं हूँ, बिकॉज आई लव फूड, मुझे हर तरह का खाना पसंद है, इसकी तो सेहत आपको बता देगी माशाल्लाह। थोड़ा सियासी बयान तो नहीं था ये? नहीं नहीं बहुत अच्छा लगता है खाना, कोई नखरेबाजी खाने में नहीं, ये है कोई नखरेबाजी नहीं। जिस वक्त भूख लगी, ऑफ कोर्स मैं एज अ ह्यूमन बीइंग ये समझते हैं, जिस वक्त भूख लगी आपको हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है और आप शुक्र अदा कर रहे होते हैं उसका, यू नो। बट एट सम टाइम्स होता है, इंसान चूज़ी होता है, कभी कोई चीज़ पसंद आती है, कभी कोई चीज़ पसंद आती है, बट माई फेवरेट इज़ बिरयानी, मुझे बहुत पसंद है, मैं बड़े शौक से खाता हूँ, ये भी बहुत शौक से खाता है, हम बहुत ज़्यादा चूज ही नहीं खाने में। ज़्यादा फैन आपके ख्याल में लड़कियां आपकी थी या इनकी हैं? वो तो इधर उधर देख रहा है। आई डोंट नो, आज का दौर मुझे तो, इनफैक्ट मैं इन नहीं हूँ, आज़म की ज़रूर फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। चले आप बता, यंगस्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं, बाबा गॉट मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज, तो मैं तो अभी भी सिंगल हूँ। एक रिकॉर्ड में होल्ड करता हूँ घर में, व्हेन आई गॉट मैरिड आई वाज 23, तो ये मुझे तो क्रॉस कर चुका है। सही बात है, सही बात है। मैं थोड़ा संभल के खेल रहा हूँ अभी। बेहतर बैट्समैन कौन है? बेहतर बैट्समैन कौन है? आई थिंक आज़म 100%। यार ये आप दोनों अपने दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। नहीं नहीं कोई तारीफ है, अच्छा टैलेंट है, मैं अगले बंदे के साथ घर जाना है। यार आपने इतनी गंदी गंदी मुश्किल सिचुएशन से निकाला है यार। हमेशा से ये सेइंग होती है, जो भी नया मॉडल होता है वो अच्छा होता है। चले यू नो, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट ये है। चले अब तो बताना पड़ेगा, बेहतर विकेट कीपर कौन है? हैंड्स डाउन कोई इसमें शक ही नहीं है, बेहतर विकेट, यार परफॉर्मेंस देख ले आपको खुद पता लग जाएगा। गाना आ गया। बजाते गिटार है, लेकिन आपका जो अटायर जो आप बता रहे हैं वो काफी हिप हॉप है, काफी हिप हॉप टाइप, मतलब जैसे रैपर्स वगैरह नहीं? आई एम श्योर हिप हॉप भी सुनते ही होंगे। मैं हिप हॉप जी सुनता हूँ। तो आजकल का जो म्यूजिक सीन है उसमें क्या फेवरेट कौन सिंगर्स? बस हिप हॉप तो आई थिंक काफ़ी हैं हिप हॉप आर्टिस्ट जो हैं, लेकिन स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, आई थिंक यंगस्टर दे डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड इफ यू कम टू पॉप म्यूजिक आई विल से आसिम अज़हर इज़ द वन हु इज़ डूइंग ग्रेट माशाल्लाह से, एंड मतलब मैं उसके काम देखे हैं, स्टूडियो भी गया हूँ उसके, तो काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी इंटरेस्ट है मुझे म्यूज़िक में, तो मैं सारी चीज़ें उनसे पूछता रहा। वो ऑल्सो उनके भी वालिद साहब और भाई सारे बिल्कुल कासिम भाई हिज डैड माशाल्लाह से दे ऑल हैव बीन ग्रेट म्यूजिशियंस, बहुत तो आई थिंक ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। उनकी एक लेगेसी है, मेरा लेगेसी है, बिल्कुल लेगेसी, नो डाउट। फजूल खर्च कौन है और क्या फजूल खर्ची है? मैं मेरा फजूल खर्ची है, मैं ये कहूंगा कि कोई नया जूता आता है मार्केट पे तो मैं सबसे पहले उठा लेता हूं। अच्छी बात है।
मोइन भाई, हर तरह के हालात देखे, आपके मुश्किल हालात भी आए होंगे, तो आसूदा होना जिसको कहते हैं कि यू नो फाइनेंशियली स्टेबल होना, थे या अभी हैं माशाल्लाह, क्या सिचुएशन हो? यार फाइनेंशियली कभी भी फ़र्क कभी भी नहीं पड़ा, बिकॉज के जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था बहुत ही लाइक नॉट, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत पुअर बैकग्राउंड था, बट माई फादर यूज़ टू वर्क फॉर अ बिग कंस्ट्रक्शन कंपनी, ही वॉज एडमिनिस्ट्रेटर देयर, हम आठ बहन भाई थे, हमेशा अच्छा खाया है, अच्छा पहनने की कोशिश की है, तो घर से जो तरबियत मिली थी उसमें कभी भी ये फीलिंग नहीं आई कि यार कोई किसी चीज़ की कमी है। और फिर जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, नेचुरली एवरी डे अच्छा दिन, मशहूरी वाला दिन, इज्जत वाला दिन, पैसों वाला दिन, तो कभी फील ही नहीं हुआ, तो और फिर कभी डर भी नहीं लगा इस चीज़ से यार नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि हदें देखी हुई। हाँ दे बिल्कुल, तो वो एक तरबियत जो होती है ना इंसान की इनिशियली अगर आपको मिल जाए, बेसिकली वैल्यू काम की होती है, पैसे की नहीं होती। मैं हमेशा अपने बच्चों को भी ये समझाता हूँ यार काम करो, काम करो, पैसा तो खुद पीछे भागता है काम। सही बात है। तो जितना आप पैसे के पीछे भागते हो पैसा उतना आगे भागता है आपसे, यू नो, सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर पैशन, वर्क प्रोफेशनली, हर चीज़ आपके पीछे भागेगी। वो कभी याद आया बचपन का कि वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आज़म को आप दे सके, तो उसके बारे में क्या? आज़म को मैंने हमेशा अपॉर्चुनिटी यही थी कि इसको पैशन था खेलने का, मेरी तरफ से अपॉर्चुनिटी इसको ये मिली है कि इसने एक दिन मुझे आके बस बाबा मैंने पढ़ना नहीं ये बोला। ओके मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा है तो बड़ा शॉकिंग, लेकिन मैंने कहा यार मुझे एक अंदर अपने ऊपर बड़ा फ़ख्र था कि मैं खुद क्रिकेटर बनाऊँ, हाउ कम आई स्टॉप माई सन टू प्ले क्रिकेट, यू नो, जिस पैशन और जिस करियर जिस स्किल से मैं डेवलप हुआ, यू नो, तो मैंने यही सोचा है एज अ फादर कि मैं इसको बिल्कुल मना नहीं करूँगा। देन आई टोल्ड हिम हाँ बिल्कुल खेलो, नहीं करनी पड़ाई कोई बात नहीं, मैंने कहा ये भी एक इल्म है, इसको सीखो, ये भी एक हुनर है, लोग स्टडीज़ करते हैं माशाल्लाह, ओ लेवल इसने किया है, तो जब भी आपने देखा होगा इसको मीडिया में इंटरेक्ट करता है, लोगों से मिलता जुलता है, तो इसकी तरबियत इसकी तालीम आपको नज़र आती होगी, यू नो, तो बेहतर ही हुआ, रट्टे लगाने से बेहतर है आदमी प्रैक्टिकल लाइफ में आके प्रैक्टिकल काम। मैंने बोला, मैंने कहा बस खेलो फिर, एवन है एवन, और दूसरी तरफ फीस भी बच गई वो बाकी दोनों पे लग गई। बात बचा ली, खर्चा बचा लिया, खर्चा बात। सोशल मीडिया, हाउ यू आर मैनेजिंग योर सोशल मीडिया, क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक सोशल मीडिया से कि आप आई थिंक सही चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें, कि आप अपने लाइफस्टाइल के बारे में भी बताएं वहाँ पे कि आप किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, और उन चीज़ों के बारे में भी बताएं जो इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में, कि सोशल मीडिया आई थिंक इट्स अ प्लेटफॉर्म कि आप जहाँ पे लोगों को सही मैसेज पहुँचा सकते हैं। सही है। तो आई थिंक आप उस सही मैसेज को पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, बनस्बत हाँ कि टाइम ज़ाया करना ऑन सोशल मीडिया आई थिंक दैट्स नॉट नेसेसरी इन लाइफ, क्योंकि मैं बीच में कोशिश कर रहा था कि मैं सोशल मीडिया कम से कम यूज़ करूँ, स्पेशली व्हेन आई एम प्लेइंग अ टूर्नामेंट, तो मैं सिर्फ अपने टूर्नामेंट के बारे में लगाता हूँ क्योंकि वो चीज़ मेरी लाइफ में चल रही होती है। आप क्यों सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, नहीं हैं? नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा एक अकाउंट है इंस्टाग्राम पे जो बेटी को दिया है वही रन करती है, जब कुछ कोई ऐसी कोई बहुत ही ख़ास चीज़ होती है जिसे मैं बहुत पसंद कर तो मैं उसको अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाल देता हूँ, अदरवाइज मैं बहुत ज़्यादा खुद वैसे भी सोशल नहीं हूँ, बट ओकेजन्स पे तो जाता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, अपना जो भी पैगाम होता है वो पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, बट आपको जैसे पता है कि मेरी अपनी एक अकेडमी जो मैं जिस चीज़ में थोड़ा बहुत मास्टर हूँ, यू नो क्रिकेट, वो मैं ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ अकेडमी के थ्रू, आई थिंक विच इज़ फेयर इनफ। मैं ये समझता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कम अज़ कम कि अपना थोड़ा बहुत जो हिस्सा इन टर्म्स ऑफ रिटर्निंग बैक टू द यंगस्टर्स वो मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की। 100% यू आर डूइंग इट, सो प्राउड ऑफ यू। म्यूज़िक कहाँ से आन पड़ा? म्यूज़िक हमारे फैमिली में सबको ही शौक है। अच्छा। मेरे बड़े भाइयों को, मुझे, वाइफ को, और इसी तरह इनके कज़न्स को, और जो हमारे कज़न्स हैं उन लोगों को, सबको हमेशा से शौक रहा है, तो हमेशा से घर में म्यूजिक। गज़ल नाइट होती थी या वो? कभी कभार हाँ, गज़ल नाइट कह लें या ऐसी सिंगिंग नाइट, करियोकी, इस तरह की चीज़ें चलती रहती है, तो इसी वजह से आज़म को भी बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है शौक। भाईजान फिर कैसे हो सकता है कि गुनगुनाए बगैर? नहीं, अगर मेरे पास गिटार होता तो मैं आपको अभी गाना सुना देता। मेरा गिटार इतने सारे चल रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, वो बजाएंगे ना आपके साथ? चलो वो बजाएंगे। मैं क्या गाऊं, कुछ भी ऐसी गुनगुना दो, हल्का सा कैजुअल होना चाहिए, नो प्रेशर। दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में।
आगे मोमेंट के लिए। थैंक यू सो मच अल्लाह आजम, दिल खुश कर दिया आपने, मेरी बात रखी। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वही जा रहे थे मेरे ख्याल से, तो वहाँ अरेबिक में अनाउंसमेंट हुई, तो कुछ हमारे लड़के नए आ रहे थे, तो जैसे ही अरेबिक में अनाउंसमेंट हुई तो मैंने ना यूँ हाथ कर दिए, तो मैंने देखा कि छः के छः प्लेयर जो नए, उन्होंने भी यूँ हाथ कर दिया। लेकिन इस वक्त मैं हैप्पी नहीं हूँ ना, क्योंकि मुझे तो लड़के के छोटे भाई में इंटरेस्ट है। उनको ये बताएं, छोटे भाई का बेटा भी साथ बैठा हुआ है। होप ही इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपने उम्मीद छोड़ दी तो फिर तो कुछ नहीं मिलेगा, यू नो। अगर उम्मीद होती है तो आप मेहनत करते रहते हैं, और मेहनत करते हैं तो यू गॉट टू बिलीव कि आपको रिवॉर्ड मिलना ही मिलना है। Knock, 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 knock. Are you ready? The Knock Knock Show. वेलकम बैक टू द नॉक नॉक शो। आज हमारे साथ हैं द लिविंग लेजेंड मुइन खान, उनके साहबजादे शहजादे हमारे प्यारे आजम खान। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कोई वाकया ऐसा सुनाए जो क्रिकेट के हवाले से आपको याद हो ग्राउंड में, जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं कि हमारे क्रिकेटर, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, बट उनसे इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने पूछा जी व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश, तो उन्होंने बेसाख्ता बोला टीवी। तो बड़ा मज़ेदार वाकया था, बहुत ही लाइक फनी था, सारे लड़कों ने बहुत इंजॉय किया, तो सब इत्तेफाक की बात है, वो इंटरव्यू सुन रहे थे। आपका कोई ऐसी मेमोरी जितना क्रिकेट अब तक खेला हो? ऑफ कोर्स बहुत सारे वाकयात होंगे। आई थिंक एक फ्लाइट पे हम लोग जा रहे थे, आई थिंक दुबई जा रहे थे मेरे ख्याल से, तो वहाँ अरेबिक में अनाउंसमेंट हुई, तो कुछ हमारे लड़के नए आ रहे थे, तो जैसे ही अरेबिक में अनाउंसमेंट हुई तो मैंने ना यूँ हाथ कर दिए, तो मैंने देखा कि छः के छः प्लेयर जो नए, उन्होंने भी यूँ हाथ। तो ये हम करते रहते हैं, बाद जमात दुआ हो रही थी। दुआ और याद उठा लो। बजाओ बजाओ भाई, म्यूजिक बजाओ, तारा चैल की बजाओ गोलियो, मेरे संग संग गाओ गोलियो, शर्माओ ना लगा के मेहंदी, गली है मिलन की, एक सजन से सजन की, एक सजन से सजन की। इनको कोई मुंह नहीं लगाता, लेकिन ये मेरे मुंह बोले चचा हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम भतीजे भतीजे भतीजे, कमाल हो गया भाई। भाई एक तो मिठाई खाओ मिठाई खाओ। एक तो जलसे में हमला कर दिया, फिर इतनी मिठाई लिया, किस चक्कर में हो? शादी भी आगे गाने चला रहे हो? अरे 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 भतीजे, बाईपास की डेट मिल गई। हम तुमको बता रहे हैं भतीजे, क्या बता, अगर अच्छी शक्ल के साथ फजूल बातें करने का कोई अवार्ड होता ना, तो खुदा की कसम तुम फरेस्ट आते उसके अंदर। ये क्या है? वो माजरत, एक्साइटमेंट में हम सलाम दुआ करना भूल गए हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम मुई खान साहब, आजम खान साहब, क्या बात है क्या बात है भाई। आप दोनों के मुबारक कदम इस सेट पर पड़ते ही हमारे मन की मुरादें पूरी हो गई, इसलिए आज ना आप लोग भी मुंह मीठा कीजिए। भाई हुआ क्या है? आपकी शादी हो रही है? बताते हैं, मुंह तो मीठा कीजिए। हाँ आप भी मुंह मीठा कीजिए। मैं डाइट पे हूँ आज। डाइट पर क्यों खिला रहे हैं मिठाई भाई? हाँ बात पक्की हो गई, फ्रेश लग रही है। हाँ ताजा की। बैठो भाई, इतनी रौनक। बस यूँ समझ लो कि हमारी लॉटरी निकल आई है, जिसके सपने देखते थे ना, उस लड़की ने हमें तकरीबन तकरीबन डेट पर बुला लिया है। मैंने आपको कहा था ना, मिठाई देख के मुझे अंदाजा हो गया। भाई आपने नोट किया होगा, इन्होंने लॉटरी कह दी, हम इसको लॉटरी कहते हैं। लॉटरी हमें 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 फोन करके कहती है मोइन भाई है कि भाई नवाब साहब आप जल्दी से आ जाइए, आज हमें आपका साथ चाहिए। आए आए चाहे वाना इनविटेशन। वाह वाह, उन्होंने देखा हुआ आपको। भाई कोई ऐसा तरीका मैं आपकी तरफ फेंकूं और ग्राउंड से बाहर फारिग करेंगे? हम कोई बॉल थोड़ी है। मुबारक आ गई, अभी अभी तो जिंदा रहना, अभी तो बात पक्की नहीं हुई।
लगता है पहली है। नवाब साहब आप वहाँ क्या करें, इधर आइए इधर जल्दी आइए। वो हम नलका लगा रहे थे। लग गया नलका, आ जाइए नवाब साहब आप यहाँ पे बैठे, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूर नवाब साहब, मुझे आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। अरे थोड़ा सा साथ? अरे साथ 8-9 दिनों से हम आज के ही दिन का तो इंतजार कर रहे थे। नवाब साहब उनसे पूछ चले किससे। हाय, देखिए हमेशा की तरह आप रन रेट फास्ट कर रहे हैं। ये बहुत आगे जाके ये 5वें ओवर में स्कोर करेंगे, अभी हमारा दूसरा ओवर चल रहा है। आते आते नवाब साहब आपको हाँ। सिर्फ आज थोड़ी देर के लिए हाँ। मेरे अब्बू बनना है हाँ। मैं गलत सुन गया होऊंगा। हाँ हाँ हम तैयार हैं, हम तो जिंदगी भर आपके बच्चों के अब्बू बनने के लिए तैयार हैं। नवाब साहब मेरे बच्चों के अब्बू नहीं, मेरे अब्बू बनना है आपने। औला औला कुवत, कैसी बातें कर रहे हैं आप। खाविंद होता है वो, और वो भी मुस्तकिल होता है, थोड़ी देर के लिए थोड़ी होता है भाई। हम आपका हेयर ड्रायर बन जाएंगे, हम आपका लिपस्टिक बन जाएंगे, हम आपके लिए आपके सैंडल बन जाएंगे, लेकिन ये अब्बू अब्बू थोड़ी बन सकते हैं हम भाई इतनी यंग एज के अंदर। नवाब साहब मैं आपको बताती हूँ, मुझे ना आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे स्पोर्ट्स मैन में इंटरेस्ट है। हार्ट अटैक आ रहा होगा। एक्चुअली बच्चे जानती नहीं है, हम भी तो हॉकी के इतने बड़े प्लेयर रह चुके हैं। हाँ हॉकी हॉकी पकड़ी भी लाए, हालांकि हॉकी इनसे बड़ी आ रही है। हॉकी को बिल्कुल स्कोप नहीं है ना, जाकर मेरे रिश्ते की बात कीजिए प्लीज। आओ 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 बैक अप। किसी ने मेरी मिठाई खाई तो नहीं है ना। आप तो डाइट पर है, बड़ा अफसोस। आपने जो गुलाब जामुन खाया है ना, हम वसूल करेंगे। हमने तो आपकी खुशी में खाया था गुलाब जामुन। गुलाब जामुन ग्लैडिएटर। भला ये क्रिकेट भी कोई गेम है, है? इस गेम के अंदर कोई डी ही नहीं होती है, और ये कमेंट्री कैसी करते हैं अजीब अजीब सी क्रिकेट के अंदर। हमारी होती थी कमेंट्री उर्दू में, सुन के ना रूह खुश हो जाती थी। है हम तुम्हारे अब्बू नहीं बनेंगे। ठीक है ना आप साहब, तो आप हमें दौलत की ताकत से नहीं खरीद सकते भाई। मिठाई का जो खर्चा हुआ है वापस मिल रहा है, ले लो। आपने हमको दौलत की ताकत से खरीद लिया है। जल्दी 3,000 में बिक गया। नवाब साहब आप प्लीज अब जल्दी से जाके मेरा रिश्ता मांग लेना। नवाब साहब आपका व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा? हाँ क्यों, वही पुराना वाला है। मैं आपको जो एक बड़ी सी लानत भेज दी उस पर। 3,000 इतना हल्का? 3,000 रुपए की कीमत तुम क्या जानो होस्टिंग बाबू। $10 होते 3,000 रुपए। नवाब साहब मेरी बात कर लीजिए, टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई। लड़की जो है गौर से सुनिएगा, सुबह उठ के निहार मुंह सेल्फी लेती है, इससे आपको अहमद शहजाद की कमी महसूस नहीं होगी। अच्छा मैं लड़की में भी अहमद शहजाद को ढूंढूं? नवाब भी तो है। अच्छा बाकी भागते हुए जाती है सब्जी ले लेती है, इससे आपको शाहनवाज जहाने की कमी महसूस नहीं होगी। क्रेजी फर 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 बोलती है, इससे आपको इंशाल्लाह उमर अकमल की कमी महसूस नहीं होगी। तो बेटा फिर मैं आपकी तरफ से ना समझूं? जब आप लड़की की खूबियों में लौंडे ही लौंडे दिखाएंगे तो ना ही समझे आप। मेरी तरफ से कबूल है। बैकअप। देख पेमेंट भी मिल गई है, बैकअप भी हो गया, निकल ले। बड़ा अफसोस है नवाब साहब। भाई मुबारक हो, हैप्पी लड़के ने हाँ कर दी। लड़की का नाम तो चेक करें, हैप्पी। लेकिन इस वक्त मैं हैप्पी नहीं हूँ ना, क्योंकि मुझे तो लड़के के छोटे भाई में इंटरेस्ट है। अब्बू
है अब्बू। उनको ये बताएं छोटे भाई का बेटा भी साथ बैठा हुआ है। भाई अब्बू है अब्बू। अब मैं नवाब साहब के साथ हूँ भाई। अब मैं नवाब भाई। भाई शादी हुए बहुत अरसा हो चुका है। देखा भाई देखिए। अब्बू। वैसे क्रिकेटर जो है, क्रिकेटर्स हैं। क्रिकेटर जो है हमने तो ऐसे वो इमोशनल में इतना बोल दिया वैसे बड़े अच्छे लोग होते हैं। दूसरी शादी के लिए तो बहुत ही मौजू होते हैं क्रिकेटर्स। लेकिन लेकिन ये अब्बू कैसे हो सकते हैं? ये मेरे से धोखा हुआ है, मेरा दिल टूट गया है। भाई क्या मतलब धोखा हुआ है? मोस्ट एलिजिबल बैचलर ये बैठा हुआ है, तुम पता नहीं क्या बातें कर रही हो। लेकिन मुझे तो इनके छोटे भाई में इंटरेस्ट था ना, मेरे मतलब है वो छोटा नहीं बड़ा है, वैसे उसकी भी शादी हो गई है। म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। मैंने इतनी मुश्किल से नवाब साहब के पैसे चुरा कर प्लान बनाया था और सारा प्लान ही फ्लॉप हो गया। अरे बेटा तेरे ही थे। इतना बड़ा धोखा। कितना बड़ा? जरा ढोली की बजाओ गोरियो। नहीं 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 मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यार आपने वैसे शादी के बाद ऐसे मौके तो कुछ ना कुछ सामने आमने आए तो होंगे। शादी के बाद ऐसे मौके आने नहीं चाहिए मेरा ख्याल। डिसाइड कर ले एकदम शादी होगी तो फिर जब तक साथ रह रहे हैं तो फिर तो नहीं। आपके पर्सपेक्टिव से तो ये बात हो गई, लेकिन जो खवातीन अप्रोच कर रही हैं उनके पर्सपेक्टिव से तो अब किसी की सोच पे पाबंदी तो नहीं है ना यार। लेकिन इस तरह की सिचुएशन आपने कभी देखी नहीं एज सच, मतलब फीमेल फैन, क्योंकि हम लोग जब भी फैमिली वगैरह हम लोग बाहर जाते हैं so fans they do approach him for pictures and stuff but he's jab wo hum log apne private zone mein hote hain like apni family ke saath hote hain so ye koshish karte hain ki tasveere na le like lekin we insist him ke bhai aap le le to koi masla nahi to ab mere sath bhi ye cheez hoti hai so when I'm in my private zone to main koshish karta hu ki main tasveere na lu. Moin bhai bahut se zindagi mein इंसान वक्त देखता है, मुश्किल हालात भी देखता है। अपने करियर के हवाले से कोई बात, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि काफ़ी वज़न रह गया हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? वज़न टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता, मेरी बड़ी क्रिकेटिंग लाइफ मेरी फैमिली लाइफ भरपूर गुजरी है। नो रिग्रेट्स एट ऑल अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा भी वो जो जन्म की बात करते हैं मिले तो क्या करेंगे, मैं फिर भी यही करूँगा, यही बनना चाहूँगा क्योंकि आई हैव लर्नड अ लॉट because I have gone through a very very tough times at times like jab main team mein bahar ho gaya tha performance se come back karna mushkil hota tha you know aapko bahut zyada effort karni padti thi to wahan pe ek cheez ye seekhi ki agar aap sincerity se mehnat karte rahe na koshish karte rahe to aapko 100% reward milta hai jo umeed hai umeed nahi chhodni chahiye hope nahi chhodni chahiye hope he is the key of success अगर आपने उम्मीद छोड़ दी तो फिर तो कुछ नहीं मिलेगा यू नो अगर उम्मीद होती है तो आप मेहनत करते रहते हैं और मेहनत करते हैं तो यू गॉट टू बिलीव कि आपको रिवॉर्ड मिलना ही मिलना है। लोग यही समझते हैं यार मैं मेहनत कर रहा हूँ तो शायद मुझे पैसा मिल जाएगा यू नो ये बिल्कुल कहीं कोई गारंटी नहीं है। आपको अच्छी बीवी मिल सकती है, आपको अच्छी बहन मिल सकती है, अच्छे पेरेंट्स मिल सकते हैं, अच्छे दोस्त मिल सकते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग मिल सकते हैं, आपको इससे बड़ी क्या नेमत होती है। तो आई थिंक ये I'm being very honest, मुझे कोई regret नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। औलाद भी इतनी ज़बरदस्त मिली, वो खुशी होती है उसको देख के, एटलीस्ट वो लेगेसी जो है वो कैरी कर रही है, क्रिकेट के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई लेसन जो बार बार ये देते हैं आपको वो आपको याद आता है किसी ऐसे मोमेंट पे जब आप क्राउड फेस कर रहे हैं, सामने से प्रेशर है, अब आप हैं और वो सिचुएशन है? ग्राउंड में जाने से पहले से कि मैं सिर्फ एक चीज़ ये है अपने दिल में बोलता हूँ कि अल्लाह मेरी इज्जत रखना, दैट्स ऑल, ये मैं करता हूँ। और फिर मैं वहाँ जाके सब भूल जाता हूँ ग्राउंड में, क्योंकि अब मैंने इतनी चीज़ें देख ली हैं ज़िंदगी में जिस तरह लोगों ने ट्रोल किया ये वो सब, सो इट डजंट इवन बॉदर मी एनी मोर। तो जिस वजह से लोग और मुझे ट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आई एम द लीस्ट बॉदर्ड पर्सन नाउ फॉर ऑल दीज ट्रोल्स एंड एवरी थिंग। बट हाँ एक चीज़ वालिद साहब ने ज़रूर सिखाई है कि भाई जस्ट ट्राई टू स्टे हम्बल एज पॉसिबल बिकॉज ऊपर वाला अगर दे सके तो आपसे छीन भी सकता है। क्या बात, बिल्कुल सही बात, एक्सेलेंट। मोइन भाई आपने जिस तरह अभी कहा कि भरपूर
कोई रिग्रेट नहीं, पर्सनल लाइफ, करियर लाइफ, वी आर सो प्राउड ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. हमें जो फ़ख्र है आप पे, मैं क्या बताऊँ, मैं आपको सेलिब्रेट करता हूँ, मैं आपके साहबजादे को सेलिब्रेट करता हूँ. अमेजिंग टैलेंट, आप इसी फोकस से लगे रहे. खूबसूरत बात आज हम सबके साथ शेयर की मोइन भाई ने कि होप इज़ द की. हर तरह के हालात आते हैं, सबके साथ आते हैं, मेरे साथ भी बहुत सिचुएशन ऐसी आई. बात यही है आखिर में कि आप होप की कड़ी पकड़े रहें. बिल्कुल. और आज जिस शख्स को हम अपने इस एपिसोड में ट्रिब्यूट देंगे, इत्तेफाक से उनका ताल्लुक भी क्रिकेट से ही है. 1971 में रावलपिंडी में पैदा हुए और एक स्कूल मैच में एक प्लेयर के ना आने की वजह से इत्तेफाकन विकेट कीपर बन गए. होते होते 1990 आ गया, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट और वनडे क्रिकेट का बाकायदा रुकन बनते बनते वर्ल्ड कप 92 की विनिंग टीम का हिस्सा बन गए. अपना अहम और आखिरी मैच उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेला था. भाई अच्छे विकेट कीपर तो हैं ही, लेकिन बेहतरीन बैट्समैन भी माने जाते हैं और पाकिस्तान की बे इंतहा क्रिकेट विन्स में इनकी बैटिंग की वजह से हम जीत पाए. अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2004 में जीता और उसके बाद हमारी कौमी टीम के हेड कोच बने और चीफ सेलेक्टर बने. और हर तरीके से आज भी उनका ताल्लुक क्रिकेट से बरकरार है, चाहे वो पीएसएल की कोचिंग हो या अपने साहबजादे को क्रिकेटिंग टिप्स देना हो. ये वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के दो फाइनल्स में शिरकत हासिल की और पहले पाकिस्तानी हैं जिनकी कैप्टनसी में हमने एशिया कप जीता. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे लिविंग लेजेंड मोइन खान की, जो आज हमारे गेस्ट भी हैं और आज हम उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं. और इसके साथ ही शो का इख्तिताम करते हैं. वी सेलिब्रेट मोइन खान टुडे. गुड नाइट एवरीवन. थैंक यू. थैंक यू. गुड नाइट. थैंक यू आल्सो. दिलों पे दस्तक देता हूँ, अपने मन की कहता हूँ, किसके दिल में कौन छुपा है ये राज पता कर लेता हूँ.